রাজ্যে আসলেন কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দলের সংসদীয় প্রতিনিধি দল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে ধরনের হামলা হুজ্জুতি ভাঙচুর সংগঠিত হয়েছে সে জায়গাগুলো পরিদর্শনে যাবেন তারা। শুক্রবার বামেদের 6 জন এবং কংগ্রেসের 2 জন সাংসদ রাজ্যে এসেছেন। তাদের অভিযোগ, ভোটের ফল প্রকাশের পর রাজ্য জুড়ে ব্যাপক সন্ত্রাস হয়েছে, প্রায় 850টি বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিরোধীরা সর্বত্র আক্রান্ত, তাই এই প্রতিনিধি দলটি সব আক্রান্তের বাড়ি যাবে। এই বিপদে বিরোধীরা একা নয়, সেই বার্তা দেবার লক্ষ্যে দিল্লি থেকে এলো বামগ্রেজের প্রতিনিধি দলটি। ইলেকশন জিতে হো ভায়লেন্স হিস তর অপোজিশন বিপক্ষ কোনকে লোকো ভোটার্স সিপিএম কে ভোটার কংগ্রেস কে ভোটার जो भी भाजपा के साथ नहीं है उनके साथ कई घरों को लूटा गया, जलाया गया। हम एक डेलीगेशन लेकर आए हैं जिसमें कांग्रेस और सीपीएम के सारे एमपी हैं, एमएलए है, यहाँ के सीएलपी वगैरह है, अध्यक्ष है, इंचार्ज है। हम सब उनके घर जाएंगे और उनको ये एहसास दिलाएंगे जितनी भी ये गुंडागर्दी करे, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं मजबूती के साथ। कितना दिन अब घूमेगा और कहाँ कहाँ जाएगा? देखिए, आज हम लोग की पूरी लिस्ट बनी है, वो आपको मुहैया कराएंगे। लगभग 850 घरों को, कई घरों को जलाया गया है, लूटा गया है। तो हम लोगों की कोशिश है कि आज भी 7-8 जगह पे हम लोग जा रहे हैं और कल भी कई जगह पे जाएंगे। जो 3 ग्रुप हम लोगों ने बना लिए हैं, 3 ग्रुप के तहत अलग अलग जगह पे जाएंगे। देखिए, 6 सांसद आए हैं सीपीएम के, 2 सांसद हम लोग कांग्रेस से हैं, बाकी यहाँ के जो लोकल एमएलए है, एसीसी है, अध्यक्ष है, चुनाव 3 ग्रुप में थे। चुनाव के बाद ये जो रिजल्ट आया है कांग्रेस और सीपीएम का, क्या कहेंगे इसके विषय में? देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन आज से पहले कभी भी जो डिक्टेटरशिप है, जिस तरह से चुनाव जब से भाजपा है वो लड़ती है और जिस तरह की डिक्टेटरशिप दिखाती है, वो लोकतांत्रिक देश में किसी को भी बर्दाश्त होता नहीं। এদিন কংগ্রেস পর্যবেক্ষক ডক্টর অজয় কুমারও রাজ্যে এসেছেন। ওনার দাবি, বিরোধীরা 61% ভোট পেয়েছে আর শাসক মাত্র 39%। 17টি আসনে মথা ভোট কেটে পদ্ম শিবিরের সুবিধা করে দিয়েছে, কাজেই ত্রিপুরার মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল বলে দাবি কংগ্রেস পর্যবেক্ষক ডক্টর অজয় কুমারের। 17 সিট মে তো 1000-2000 কে নিচে হাম লোগ হারে, অর মে তো হামেশা কেহতা হুম কি পয়সে কে বল পর, पुलिस के बल पर 17 सीट जो है, 17 सीट में अलायंस का जो है 2000 के नीचे 61% त्रिपुरा के जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है। बीजेपी और उसके अलायंस को सब मिला के सिर्फ 39% है। इसका मतलब है कि त्रिपुरा के जो 60% से ऊपर लोग जो बीजेपी को नहीं चाहते हैं। बीजेपी अभी जीतने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर मेजोरिटी जो त्रिपुरा का जनता जो है बीजेपी को नहीं चाह रही थी, अब कुछ लोग को खड़ा करके कांग्रेस और लेफ्ट को जो कमजोर करने का कोशिश किया, ये पॉलिटिक्स है। पर पब्लिक नहीं चाह रही थी, ये सच्चाई है। अब ये पार्ट ऑफ लाइफ। যদিও সন্ত্রাস বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে কঠোর হবার বার্তা দিয়েছেন, কিন্তু তারপরেও কোথাও বিজয় মিছিলের নামে আবার কোথাও ভোটের আগের কথা টেনে এনে সন্ত্রাস হচ্ছেই। এখন দিল্লি থেকে প্রতিনিধি দল আসার পর আদৌ সন্ত্রাস বন্ধ হয় কিনা তার দিকেই তাকিয়ে রাজ্য। ব্যুরো রিপোর্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট।